आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हरकुलस के साइकिल को। आप देख सकते हैं साइड से ये काफी अच्छा दिख रहा है। अब हम इसे डिटेल में देखना शुरू करते हैं। हम हैंडल से शुरुआत करते हैं। इस साइकिल में हमें चौड़ा हैंडल बार मिलता है जो कि ब्लैक सैंड ब्लास्ट फिनिश के साथ आता है। इसका हैंडल ग्रिप सॉफ्ट रबर का है और काफ़ी अच्छा ग्रिप देता है। यहाँ हमें फ्रंट और रियर ब्रेक्स के लीवर्स मिलते हैं। ये पार्ट ब्लैक प्लास्टिक से बना हुआ है और ये ब्लैक पेंटेड पार्ट मेटालिक एलॉय से बना हुआ है। इस साइकिल का फ्रेम 17 इंच का है और ये मैट ब्लैक फिनिश के साथ आता है। ये साइकिल 26T साइज का है। यहाँ ऊपर में इसका नाम लिखा गया है जो कि स्ट्रीट कैट प्रो 3.0 है और नीचे बड़ा सा हरकुलिस का ब्रांडिंग भी दिया गया है। फ्रंट में हैंडल बार के पास हरकुलिस का ये लोगो दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा दिखता है। इसके फोर्क में हमें स्प्रिंग टाइप का सस्पेंशन सेटअप मिल जाता है जो कि सही काम करता है। इसका फ्रंट व्हील 26 इंच के पाउडर कोटेड रिम के साथ आता है। इसमें हमें मोटे टायर्स मिलते हैं और इनमें मोटरसाइकिल टायर जैसा ट्यूब लगा है। हवा भरने के लिए भी मोटरसाइकिल वाला फीलिंग वेल्व दिया गया है। इन टायर्स की ग्रिप भी बहुत अच्छी है। यहाँ हमें डिस्क ब्रेक सेटअप भी दिया गया है जो कि बहुत ही अच्छा दिखता है। ये स्टील का डिस्क है और कैलिपर्स भी अच्छी क्वालिटी के हैं। स्पोक्स पे येलो रिफ्लेक्टर्स भी लगे हैं जो कि ज़रूरी हैं और ये स्पोक्स भी मैट ब्लैक पेंटेड है। रियर व्हील भी सेम ही है विथ 26 इंच रिम, डिस्क ब्रेक सेटअप एंड रिफ्लेक्टर्स। ये है इसका छोटा सा प्लास्टिक का फ्रंट मडगार्ड और ये है और भी छोटा रियर मडगार्ड। इसका चेन व्हील कुछ इस टाइप का है और इसमें प्लास्टिक का छोटा सा गार्ड लगा हुआ है। यहाँ मजबूत प्लास्टिक के पेडल्स लगे हैं और इनमें भी येलो रिफ्लेक्टर्स को लगाया गया है। ये है इसका स्टॉक सीट और इस साइकिल में हमें क्विक रिलीज सीट हाइट एडजस्टर मिलता है जिससे आप आसानी से सीट हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस साइकिल के प्रोस एंड कॉन्स के बारे में जान लेते हैं। ये साइकिल दिखने में काफ़ी अच्छा है और मैट फिनिश की वजह से ये काफ़ी प्रीमियम फील होता है। इसकी हैंडलिंग भी अच्छी है और आप इसे किसी भी कंडीशन में आराम से चला सकते हैं। इस साइकिल का ब्रेकिंग सेटअप बहुत ही अच्छा है और डुअल डिस्क ब्रेक्स के कारण इसका स्टॉपिंग पावर भी एक्सीलेंट है। अब हम इसके कॉन्स को देख लेते हैं। इसका सबसे बड़ा कॉन है इसका ये स्टॉक सीट जो कि काफ़ी हार्ड है और सिर्फ 10 मिनट चलाने पे ये आपको बैक पेन दे देगा और ख़राब रोड पे तो ये हालत ख़राब कर देता है। हमने इसकी जगह पे ये बिग बेन ब्रांड का नया सीट लगा लिया जिसमें कि नीचे में स्प्रिंग टाइप का शॉक एब्जॉर्बर लगा है और इसमें अच्छी कुशनिंग भी है। इस नए सीट को लगाने पर ये प्रॉब्लम कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। इसका सेकंड कॉन हर एक नए MTB साइकिल्स के लिए कॉमन है, छोटे मडगार्ड्स। इन छोटे मडगार्ड्स की वजह से आप इसे वेट रोड पे चला ही नहीं पाएंगे। बारिश में चलाने पे सारा कीचड़ आपके ऊपर ही आएगा और साइकिल तो कीचड़ से भर जाएगा। पीछे का मडगार्ड बार बार ढीला हो जाता है और टायर में टच होने लगता है। इसे हमें बार बार टाइट करना पड़ता है। इसका लास्ट कौन है इसका फ्रंट सस्पेंशन जो कि थोड़ा थोड़ा आगे पीछे हिलते रहता है और सॉलिड फील नहीं देता, पर यह कौन लगभग सभी साइकिल्स में कॉमन है। हमने हीरो और A1 के साइकिल्स को भी चेक किया और उनमें भी सेम एक्सपीरियंस ही मिला। कंपनीज को फ्रंट सस्पेंशन में सही से काम करना चाहिए। रोड पे ये सस्पेंशन ठीक काम करते हैं और ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये साइकिल आपको 8000 के आसपास मिल जाएगा। इसका Amazon लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इसे वहां से भी ले सकते हैं। इस साइकिल की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। ओवरऑल अपने प्राइस के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा साइकिल है और आप इसे डेफिनेटली ले सकते हैं। अगर आप इस साइकिल को ले रहे हैं या आपके पास ऐसा कोई साइकिल है तो आपको एलन कीज की बहुत ज़रूरत होगी क्योंकि इन साइकिल के मैक्सिमम स्क्रू एलन कीज से ही टाइट होते हैं। डिस्क्रिप्शन में बेस्ट एलन कीज सेट का लिंक दिया गया है, आप इन्हें वहाँ से भी ले सकते हैं। और अगर आपका इस साइकिल से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आंसर ज़रूर देंगे। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ID ऊपर दिख रहा होगा। तो आज के इस वीडियो बस इतने ही और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।